सभी को जय जिनेन्द्र, जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। ने गाथा है, आज है 16 तारीख है ना, 16 फरवरी 2018। हमने प्राकृत की व्याकरण पूरी कर ली है और कल से गाथाएं प्राकृत गद्य पद्य सौरभ से स्टार्ट कर दी थी। और एक आपका व्याकरण में अनियमित भूतकालिक कथन थोड़ा सा रह गया था, वो गाथाओं के बाद कोशिश करके आज कराने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कल की क्लास में। कल हमने मंगलाचरण कराया था और कुछ बेसिक रूल बताए थे, रमोकार मंत्र आपको जैसे पता है प्राकृत में है। कल की क्लास में क्लास नंबर 21 थी हमारी और आज की है क्लास नंबर 22, है ना। 20 क्लास का हमारा ग्रामर का टारगेट था, उसके बाद 21 क्लास से लेके हमारी गाथाएं चल रही हैं, जिसमें हर गाथा में जो हमने व्याकरण सीखा है उसका यूज हो रहा है। ये आपको बोर्ड पे हमने 5 गाथाएं कराई थी, 1 मिनट के अंदर उनको वैसे ही पढ़ के रिवाइज करेंगे। रमो अरहंताणम, रमो सिद्धाणम, रमो आयर्याणम, रमो वज्रायाणम, रमो लोए सब साहुरम। ये शौर शैनी में है, अर्धबांधी में ड की जगह क्या न हो जाता है। शौर शैनी में हमारा रमोकार मंत्र है, उसका अर्थ हमने कल देखा था, विभक्तियां भी देखी थी और कल ये भी समझा था कि शॉर्टकट में बटे में कैसे लिखते हैं। अगर क्रिया में कोई शब्द आया है तो उसमें देखेंगे हम, अगर क्रिया में मी आ मी ए मी लग रहा है तो इसका मतलब वो उत्तम पुरुष का है, और मी लग रहा है तो क्या हो गया, वर्तमान काल का है ना। तो उत्तम पुरुष के लिए हमने कल देखा था 1, और अगर मध्यम पुरुष है तो उसके लिए कोड वर्ड बनाया था 2, और अन्य पुरुष है उसके लिए 3। मी आमी ये मी लग रहा है इसका मतलब एक वचन है, तो क्या हो गया, उत्तम पुरुष के लिए 1 और एक वचन के लिए 1, बहुवचन के लिए 2। तो अगर मो मुमा कहीं लग रहा है तो 1/2, और अगर मी आमी ये मी लग रहा है तो 1/1, या ऑब्लिक भी बोलते हैं बटे को। ऐसे ही मध्यम पुरुष के लिए 2/1, अन्य पुरुष के लिए 3/1, ठीक है। फिर हमने देखा था विभक्तियों में 1 से लेके 8 तक की गिनती चलेगी, 1 2 3 4 7 5 6 8 5 6 7 8 ऐसे करके, और चलेगा एक वचन और दो वचन। जैसे कि देवो लिखा है तो क्या करा था कल, 1/1, देवा लिखा है तो 1/2, कमलम लिखा है तो 1/1 भी हो सकता है और 2/1 भी हो सकता है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का एक वचन में भी कमलम है और प्रथम विभक्ति का, तो हमें अर्थ के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सी विभक्ति, उस हिसाब से कल हमने सारा कर लिया था। फिर हम देख रहे हैं आज जैसे रमो अरहंताणम, तो अरहंतों को नमस्कार, आड़म लग रहा था तो हमने क्या देखा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है ना, देवाड़म या देवाड़ उस टाइप से चला। सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, लोक में सब साधुओं को नमस्कार। उसके बाद देखा था ऐसो पंच डमोकारो सब पावक पुलासरो मंगलाणम च सभ्यसिम पडडम होई मंगलम। यहां हमने कल देखा था कि बहुत लोगों को पडमम से लगता है कि इसके पढ़ने से मंगल होता है, जबकि ये अर्थ इसका गलत है। पढ़म का मतलब प्राकृत में है प्रथम। ऐसो पंचडमोकारो, ऐसो हमने देखा था एक से बना कि देवों की तरह से, तो क्या हो गया ऐसो 1/1। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। सव्यसिम यानी सभी, च माने और, मंगलाणम यानी मंगलों में, और यह सभी मंगलों में, पडमम यानी प्रथम, हवाई की जगह हमने देखा था कि सही वर्ड क्या है होई, तो इसको आप हो और ई छोटी ई ऐसे कर लीजिएगा, यानी कि यह सभी मंगलों में प्रथम मंगल होता है। प्रथम मंगल यानी कोई भी अगर अच्छा काम शुरू कर रहे हैं, मंगल यानी शुभ कार्य, तो उसमें सबसे पहले रमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम। अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है,
केवली पर्णतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म, पर्णतो यानी कि जो धर्म केवली भगवान ने कहा है या उपदिष्ट यानी उपदेश दिया है, इसको हम क्या और बोल सकते हैं, उपदिष्ट की जगह केवली भगवान के द्वारा कहा गया। सिद्ध भगवान कभी कुछ नहीं कहते, अभी आगे जब चर्चा करेंगे तो केवली भगवान कौन होते हैं, जिनके चार घातिया कर्मों का नाश हुआ है। सिद्ध भगवान कौन होते हैं, जिनके आठ कर्मों का, सभी कर्मों का नाश हो गया। तो सिद्ध भगवान सिद्धि से लाभ चले गए और केवली भगवान जिन्होंने सर्वज्ञ, जिन्हें हम बोले, उन्होंने एक समय में सर्वत्र जग को जान लिया, फिर वो उपदेश देते हैं। तो उपदेश कौन देगा, केवली भगवान देंगे। ठीक है, तो केवली भगवान द्वारा जो धर्म के बारे में बताया गया है कि सही धर्म क्या है, वही धर्म मंगल है। अरहंता लोगोत्तमा, अब इसमें संधि है दो, लोक प्लस उत्तम, तो अरहंत क्या है, लोक में उत्तम है, सिद्धा लोगोत्तमा, सिद्ध भी कौन है, लोक में उत्तम है, साहु लोगोत्तमा, साधु भी कौन है, लोक में उत्तम है। यहां पर साधु में उपाध्याय, मुनि, आचार्य सब आ गए। केवली पड़तो धम्मो लोगोत्तमा, केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म लोक में उत्तम है। अरहंते स्वर्णम पवज्जामि, अब गाथाओं में हर जगह अहम अमम्मी नहीं लगता, तो मी लग गया तो उससे हम क्या अर्थ लगाएंगे, हूं। पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरहंतों की शरण में जाता हूं, प्राप्त होता हूं या जाता हूं, पवज्जामि यानी प्राप्त होता हूं, जाता हूं। सिद्धे शरणम पवज्जामि, मैं सिद्धों की शरण में जाता हूं। यहां पर जो किताब में ब्रैकेट में शब्द लिखे हुए हैं वो क्या है, हिडन, मैं हिडन है, गाथा के अर्थ से सीधे नहीं आ रहा ना, मैं गाथा में अहम तो नहीं आ रहा, लेकिन जब आपने इसका अर्थ देखा पुस्तक में तो जो भी शब्द ब्रैकेट में इसका मतलब वो हिडन शब्द है, भाव पूरा करने के लिए हमें लगाए हैं हिंदी पढ़ने के, नहीं भी लगाओगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में आपको तब आएगा जब वो हिडन शब्द भी आप लिख सकते। पेपर में अगर इसका आंसर लिखना है तो आप हिडन वाला ब्रैकेट में करो, नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझने की दृष्टि से लिखे हुए पूरी किताब में इसी प्रकार से, जहां पर भी ब्रैकेट में है उसका मतलब क्या है कि वो गाथा में उसका डायरेक्ट अर्थ नहीं है लेकिन हिडन है, छुपे हुए शब्दार्थ में, भावार्थ में उसके। अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंतों की शरण को प्राप्त होता हूं, सिद्धों की शरण को प्राप्त होता हूं, साहू शरणम पवज्जामि, साधुओं की शरण को प्राप्त होता हूं, केवली पड़त्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है उसकी शरण को प्राप्त होता हूं। उसके बाद आते हैं हम, अभी ये पांच गाथाएं ये करेंगे, उसके बाद ये, अब हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब समय बचा के हम हर शब्द का हम विभक्तियां नहीं बताएंगे, वो आपको बीच बीच में एक दो बता दी जाएंगी, वो आपको अपने आप से पीछे से देखनी है और समझनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत कोर्स है तो अगर एक एक में हम बहुत टाइम लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए सीधे गाथाएं लिख के रिकॉर्डिंग आपके पास है ही है, हिंदी भी आप सुन के, जिन लोगों के पास पुस्तकें नहीं है वो लोग रिकॉर्डिंग बार बार सुन के हिंदी जो बोलेंगे उसको आप लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि प्राकृत लिखना इतना आसान नहीं है सुन के, तो इसलिए प्राकृत की सारी गाथाएं बोर्ड पे आपको हर क्लास में जितनी मैक्सिमम होंगी वो लिखाई जाएंगी। झा यही पंचवी गुरुवे, मंगल चौ शरण लोय परी यरिये, इसको बोलना भी सीखना है हमें, थोड़ा सा शुरुआत में डिफिकल्टी आएगी लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। डर सुर खेयर महिये, आरा हड़ डायगे वीरे, अब क्या लिखा है, झा ही किसमें लगाया था हमने, ही धी सुशून्य, ही धी सुशून्य लगते क्या हो गया, विधि एवं मान गया यानी ऑर्डर दे रहे हैं, झा माने होता है ध्यान करना, तो ही लग गया ध्यान करो, ध्यान करो ऑर्डर दे दिया, इसका मतलब किसमें लगा था, मध्यम वाले में, तो तुम हिडन है इसमें, है ना, तुम ध्यान करो, किसका ध्यान करो, वीक हो गया आपका अव्यय,
यानी कि कभी भी का मतलब है ही भी है भी है, तो अर्थ के हिसाब से देखेंगे। अव्यय अलग से लिखे हुए हैं, अव्यय अव्यय बीच बीच में आ जाएंगे, जैसे च हो गया, अव्यय हो गया, च हमेशा च ही रहेगा, जो तो लिखाई थे ना सारे, वो सारे अव्यय हैं, जब तब पंच है, पंच से पंच गिनती हो गई, अच्छा है ना, गिनती की लिस्ट में आ गया पांच, ये अलग है मतलब इन सब कालों से और हाँ ये अलग हो गया, ठीक है आएगा धीरे धीरे, झा यही ध्यान करो, पंच माने पांच, पांच पांच ही रहेगा है ना, गिनती हो गई है ना, अव्यय है ना कुछ, भी माने ही या भी, गुरुवे यानी गुरु, ये पांच क्या है, गुरु है, जो लोमकार मंत्र में पांच पद है, पांचों एक तरह से गुरु है, अरंत भी आपके गुरु है, गुरु मतलब जिन्होंने शिक्षा दी, सिद्ध भी गुरु है, उपाध्याय साधु और आचार्य, ये पांचों गुरुओं का ध्यान करो, मंगल चौ शरण लोय परी यरे, अब ये पूरा संधि कर दी गई, ऐसी संस्कृत में कई बार होता है, डिफिकल्टी कहां आती है जब संधियां कर दी जाती हैं, तो समझने के लिए सबसे पहले प्राकृत में आपको समझना पड़ेगा संधि विच्छेद के द्वारा, कैसे समझेंगे, ये पूरा एक वर्ड है, ठीक है, मंगल अलग है इसमें, इसलिए दूसरे पेन से कर रहे हैं जिससे आपको संधि विच्छेद समझ में आए, उसके बाद दूसरा वर्ड है चौ शरण, फिर आपका वर्ड है लोए, उसके बाद आपका वर्ड है परियर, और उसके बाद ये ए लगा दिया, ये विभक्ति लग गई है ना, कृदंत लग गया, मंगल यानी मंगल है, मंगल को हिंदी में और क्या बोलते हैं, कल्याणकारी है, शुभ है, चौ शरण यानी चारों प्रकार की शरण देने वाले, चौ यानी चार, शरण यानी शरण देने वाले, और लोए माने लोग, परियर का मतलब है विभूषित करने वाला, परियर का क्या मतलब है, विभूषित यानी आभूषण, जैसे चार प्रकार की गतियां होती हैं ऐसे ही चार प्रकार की शरण है, कि उन चारों प्रकार की गतियों में चार प्रकार से शरण देने वाले हैं, हमें स्थान देने वाले हैं, इन पांच ही गुरुओं का ध्यान करो, क्यों ध्यान करो, क्योंकि यही पांच मंगल है यानी कल्याणकारी है, और सीधे सीधे आप हिंदी में मंगल भी बोल सकते हो, चौ शरण चार प्रकार की शरण देने वाले हैं, कहां पर, लोक में, और लोक को क्या किए हुए हैं, लोक के ये सभी चार पांचों गुरु जो है विभूषित है, लोग को एक तरह से आभूषण दिए हुए हैं, ये ए लग गया तो इसमें आया है भूतकाले कृदंत लग गया, आया था उसमें से हमने इसको इकारांत कर लिया परियर को और फिर ए लगा दिया, उसके आगे बढ़ते हैं, ऋण सुर किया, जहां पर भी ऋण आए तो माइंड में न लेके चलना हिंदी में है ना, ज्यादातर जगह ऋण किसका हो जाता है, न का, तो ऋण की जगह हम क्या पढ़ेंगे, नर, नर का मतलब मनुष्य, सुर का मतलब क्या होता है, देवता, खियर का मतलब होता है विद्याधर, अभी जब आप धीरे धीरे स्वाध्याय करोगे आएंगी चीजें, जैसे रावण कौन था, विद्याधर था, हनुमान जी कौन थे, विद्याधर थे, विद्याधरों को विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, या वो किसी ऐसे क्षेत्र विशेष में पैदा होते हैं कि उन्हें जन्म से वो विद्याएं आ जाती हैं, जैसे विजयार्थ पर्वत है, जब हम तीन लोक के बारे में आगे पढ़ेंगे तो वहां विजयार्थ पर्वत की जो भरत क्षेत्र के ऊपर है, श्रेणी में जो लोग पैदा होते हैं तो वो कौन होते हैं, विद्याधर होते हैं, वो हवा में उड़ सकते हैं, कितने भी रूप बना सकते हैं है ना, दूसरे का रूप बना सकते हैं, हजारों रूप एक साथ बना सकते हैं, जैसे रावण था विद्याधर था तो बहुत सारे शरीर बना सकता था, इस प्रकार से, तो किन किन के द्वारा, नर मतलब नॉर्मल मनुष्य, विद्याधर भी है नर ही, मनुष्य का ही एक प्रकार है, हनुमान जी मनुष्य ही थे है ना, ऐसे ही सुर, सुर कौन है, सुर मनुष्य नहीं है, सुर क्या है, जो स्वर्ग लोक में रहते हैं या चार प्रकार के जो देवों के प्रकार आए हैं उनमें सुर, खेयर यानी कि विद्याधर, महिये, महिये का मतलब है पूजित है ना, महिमा, जिनकी महिमा की जाए, जिनको पूजा जाए, किन तीनों के द्वारा, नर मनुष्य देवता और विद्याधर, सब लोग उनको पूजते हैं,
बेचारे नारकियों को तो कुछ पता ही नहीं है, है ना, नीचे नरक में, तो वो कैसे पूजेंगे, तो कौन कौन पूज रहा है उनको, है ना, नर सुर और खेर, और कहीं कहीं त्रियंच भी पूज लेते हैं, जब त्रियंच को कुछ जाति स्मरण हो जाता है, कुछ ज्ञान हो जाता है। आराहण लाएगे भीरे, आराहण यानी आराधना, अब इसमें भी क्या है, संधि है, अलग अलग करके पढ़ेंगे, आड़ा भड़, उसके बाद दूसरा वर्ड है लाएगे, वीरे यानी कि वीर, डायगे का मतलब होता है नायक, ये नायक है, नायक कौन होता है, नायक से बन गया डायक, और फिर बाद में एक वो लगा दी हमने विभक्ति, कौन सी विभक्ति लगी है इसमें, 2/2 विशेषण के कोशों में से संज्ञा बताई, नायक का मतलब क्या हो गया, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहां से बना, भाई फिल्म में जो नायक होता है वो श्रेष्ठ होता है, जो हीरो होता है, तो हीरो कौन है, आराहण के योग्य वीर है, ऐसे वो श्रेष्ठ हैं, ठीक है। अब जो गाथा है वहां से इसकी हिंदी एक साथ पढ़ लेते हैं, ये हमने शब्दार्थ बता दिया। कल्याणकारी यानी कि मंगल, चार प्रकार की शरण देने वाले, चौ शरण, लोक को विभूषित करने वाले या किए हुए, लोए परिये, मंगलकारी, चार प्रकार की शरण देने वाले, लोक को विभूषित किए हुए, मनुष्यों, देवताओं तथा, इसका क्या मतलब है, खेर का मतलब विद्याधर, आप जो अपनी किताब पे भी लिखना चाहें तो पेंसिल से अगर कोई मीनिंग डिफिकल्ट लगता है तो वहीं पे आप गाथा के साथ में लिख सकते हैं। मनुष्यों, देवताओं और विद्याधरों द्वारा महिमा यानी महिमा मंडित या पूजित किए हुए हैं, और आराधना के लिए श्रेष्ठ और क्या है, वीर है, श्रेष्ठ यानी आराधना के नायक हैं, अपने डायरेक्ट शब्दों में भी लिख सकते हो, और वीर हैं। इस प्रकार से इन पांच गुरुओं का तुम ध्यान करो, ठीक है। आध्यात्मिक स्तंभ भी लिखा हुआ है, लेकिन हम सिंपल सिंपल भी मीनिंग उसी इसी समझ में आ रहा है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उनके समझ में नहीं आए क्योंकि हमारे पास गाथाएं बहुत हैं, तो इसलिए स्पीडली करानी पड़ेंगी, तो आप लोग पॉज करके वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, जिनको इसके अगर हिंदी में डायरेक्ट नोट्स बनाने हैं। इसका तो फिर आप होगा, मंगल चौ शरण लोय परिये, इसका बताइए, ये भूतकालिक ग्रंथ लिखा है इसमें, हाँ भूतकालिक ग्रंथ है, क्योंकि ये देने वाले हैं, ये चीज विभूषित किए हुए, हुए आ गया पास्ट टेंस में, है ना, तो भूतकालिक ग्रंथ हमने आरंभ करा, उसके बाद लय बनाने के हिसाब से हमने ये रहा दी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आपको शुरुआत में डिफिकल्ट आएगी पहले वाले अध्याय में, बाकी फिर आगे से कहानियां सी हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी उसमें। नेक्स्ट, घड़, इसको उच्चारण भी ठीक से पढ़ने की कोशिश करनी है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, घड़ घाई कम मेहड़ा, है ना, रिपीट भी साथ साथ भी बोलते चलो आप, जो लोग यहां बैठे हैं बोलो साथ में, घड़ घाई कम मेहड़ा, तिहुवड़ वर भव कमल मतंडा, त्रिभुवन वर भव कमल मतंगा मतंडा, अरिहा अनंत नानी अनुवम सोखा जयंतु जय, कई शब्द पता चल जाते, अनुवम यानी अनुपम, पता चल रहा है ना, सोखा सुख, जयंतु जय, जीवित रहे, जय हो, घड़ गाई कम मेहड़ा। अब देखते हैं इसकी हिंदी, पीछे से भी देखेंगे, अब पहले संधि विच्छेद करेंगे जल्दी जल्दी से, इसमें कौन कौन से शब्द हैं, घड़, घड़ एक अलग शब्द है, फिर कह रहे हैं घाई कम, हल्का सा मीनिंग आ रहा, घातिया कर्म, क्या हो रहा है, जिन्होंने अपने घातिया कर्मों का घड़ यानी नाश कर दिया है, मेहड़ा यानी कि मेहड़ा का मतलब है विनाशक, प्रगाढ़ घाती, घड़ यानी प्रगाढ़ यानी कि जिनको जो बहुत प्रगाढ़ है, बहुत ठोस है, ऐसे घड़ घाई कम घातिया कर्म मेहड़ा यानी नाश कर दिया है,
विनाशक है। तिहुवड़ वर भव, तिहुवड़ का मतलब है तीन भवन में, तिहु तीन है ना, तिहुवड़ वर भव, तीन भवन में भव, भव माने होता है भव्य जीव यानी कि विद्यमान मुक्ति भव, कमल मत्तंडा मुक्तिगामी जीव कमल सूर्य, कमल मत्तंडा कमल रूपी सूर्य, कमलों के लिए सूर्य रूपी मुक्तिगामी। तिहुवड़ का मतलब क्या हुआ, पहले तो हमने संधि अलग अलग कर ली, घड़ यानी प्रगाढ़, घाई कम यानी घातिया कर्म, ठीक है, आठ कर्म होते हैं, आठ कर्मों में से चार कर्म कैसे होते हैं, जिनको प्रयास के द्वारा तप के द्वारा हम घात कर सकते हैं, ठीक है, अभी उसकी लिस्ट भी बनाएंगे, और चार कर्म ऐसे होते हैं जो समय आने पर अपने आप ही खत्म होते हैं, जैसे आयु कर्म है ना, वो अपने आप जब समय पूरा होगा तब जाएगा, गोत्र कर्म है उनका जो गोत्र है ना, नाम कर्म है ना, इस प्रकार से ये चार कर्म है जो आपके अघातिया है और चार कर्म है घातिया है, तत्वासूत्र में भी आएगा और आगे हम इसकी लिस्ट बना देंगे बाद में। तो क्या होते हैं, जिन्होंने क्या किया है, अपने घातिया कर्मों का महिड़ा माने नाश कर दिया है, प्रगाढ़ घातिया कर्मों का नाश कर, तिहुवड़ वर भव, तिहुवड़ का मतलब तीन भवन में यानी कि तीन लोक में, तीन भवन किनको बोला है, स्वर्गलोक मध्यलोक और अधोलोक, इन तीनों को बोला तिहुवड़, तिहुवड़ वर यानी कि विद्यमान जो वहां पे वर पर लिखा है, वर का मतलब है बड़ का मतलब है विद्यमान, भव का मतलब क्या है, भव यानी भव्य जीव, भव्य जीव सुना है पहले कभी, भव्य जीव का मतलब जिन जीवों को कभी ना कभी मोक्ष होगा, ऐसा है जो लोग प्राकृत पढ़ रहे हैं वो कम से कम ऐसे चांसेस हैं कि भव्य जीव ही हैं, तभी आप लोगों का पुण्योदय आया है कि आप जो है प्राकृत पढ़ रहे हैं, आप मोक्ष मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो भव्य का मतलब दो प्रकार के जीव होते हैं, एक भव और एक अभव, भव्य जीवों को कभी ना कभी मोक्ष होगा, इसमें भी भव्य में दो प्रकार के होते हैं, निकट भव्य और दूरानुदूर भव्य, यानी कि एक बहुत टाइम लगेगा, अनंत वर्ष तो नहीं लगेंगे लेकिन असंख्यात वर्ष लगेंगे, एक निकट भव्य कि कुछ भवों में या कुछ हजार वर्षों भवों में उनका मोक्ष हो जाएगा। तो किन के लिए है, ये जो है घातीय कर्मों का नाश किया है, और तीन भवन में जो भव्य जीवों के लिए, किन के लिए, भव्य जीवों को उपदेश दिया जाता है धर्म का उपदेश, अभव्यों तो बिल्कुल जैसे इसका उदाहरण आया है शास्त्रों में, जैसे कि खाने के लिए दाल होती है, अब दाल में बीच में जो जैसे कोई ऐसी दाल आई जो गलेगी नहीं, तो वो प्रकृति से ऐसी है ना, और जब मूंग की दाल है कोई भी दाल है तो कोई भी दाल का ऐसा होगा कण जो कंकड़ की तरह लगेगा गलेगा नहीं, तो प्रकृति से ही कुछ जीव अभव्य हैं, वो मनुष्य तो बन जाएंगे त्रियंश भी बन जाएंगे लेकिन वो फाइनली उनको मोक्ष नहीं हो पाता है। तो ये वाला उपदेश किसके लिए है, तीन भवन में कौन है जो आपकी, उसकी संज्ञा क्या थी, कमल मत्तंडा, जो कमल रूपी सूर्य के समान है, गाथाओं में आपको उपमा बहुत मिलेंगी, कंपैरिजन मिलेगा चीजों का एक दूसरे के साथ में, वस्तुओं के साथ में, तो कमल रूपी सूर्य के समान, मत्तंडा यानी सूर्य, मुक्तिगामी भी बोलते हैं इसको, जो आपकी किताब में क्या लिखा है, मुक्तिगामी, मुक्तिगामी वर्ड कहां से आया, जिनको कभी ना कभी मोक्ष मिलेगा, तो डायरेक्ट आप भव्य भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तीन भवन में जो विद्यमान है जो भव्य जीव है वो कैसे है, कमल रूपी सूर्य के समान है। उसके बाद अरिहा, अरिहा माने अरिहंत भगवान, अड़ंत राणी, राणी माने हमने देखा था ज्ञान, राण माने ज्ञान, अनंत माने अनंत, जो जिनका ज्ञान कितना है, हमारे केवली भगवान का अनंत ज्ञान है, अनुपम सुख कैसे है,
जिन्होंने अपने सारे घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। तीन भवन में जितने भव्य जीव हैं उनके लिए कमल रूपी सूर्य के समान है। अब कमल रूपी सूर्य की उपमा क्यों दी कि सूर्य को देखते ही प्रातः काल में क्या होता है, कमल खिल जाता है। ऐसे ही अरिहंत भगवान को देख के, चाहे उनकी प्रतिमा को देख के, क्या होता है, भव्य जीवों का आत्मा खिल जाती है। जो अभव्य जीव है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान का साक्षात समोसरण भी लग रहा है तब भी कोई सारे संसार के जीव आके तो नहीं बैठ जाएंगे। कुछ ही लाख या कुछ ही करोड़ जिन जीवों का क्या है, निकट भव्य है, उन्हीं को खुशी मिलेगी, है ना। राजा श्रेणी का उदाहरण आप देखोगे तो वो ही भागता था अपना सारा पूरा परिवार लेके, और बाकी सारे देवता आते थे, सारी दुनिया तो आके नहीं बैठ रही समोसरण में। तो किन के लिए, जैसे कमल खिलता है सूर्य को देख के, ऐसे ही भगवान को देख के तीन भवन में विद्यमान जो भव्य जीव है वो खिल उठते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भाव है गाथाओं में, अरिहा अनंतराणी। अब वो जो अनंत भगवान है वो कैसे हैं, उनका अनंत ज्ञान है, एक ही समय में पूरे संसार को और संसार में जितने भी जीव हैं उनके भूत भविष्य और वर्तमान सारे काल एक साथ वो देख लेते हैं, उनका इतना ज्ञान है। तो उसको क्या बोला, अनंत ज्ञान। अनुपम अनुपम यानी अनुपम, सुख यानी सुख, उस सुख की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आप जैसे कोई रसगुल्ला खाओ, कोई चीज खाओ, मीठी चीज खाओ, तो दूसरे को आप कैसे बता सकते हो कि भाई कितना मीठा था, जब तक दूसरे व्यक्ति ने खाया ना हो। ऐसे ही मिर्ची खाओ तो बहुत मिर्ची है, तो दूसरे ने कभी नहीं खाई तो कैसे बताओगे। ऐसे ही क्या बोला उसको, उस सुख को हम नहीं बता सकते किताबों में या गाथाओं के द्वारा कि उनको कितना सुख है, वो तो स्वयं ही आत्मानुभूति की जा सकती है, स्वयं से अनुभव किया जा सकता है। तो अनुपम सुख में है। जयंतु यानी कि जयवंत हो, अंतु किसमें आया था, अंतु अंतु अंति नहीं था, अंति और हिरे था, अंतु किसमें था, उ और दू के बाद बहुवचन में, बहुवचन विधि एवं आज्ञा में क्या था, अन्य पुरुष के साथ में, विधि विधि एवं आज्ञा में नहीं, अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में एक पुरुष, अन्य पुरुष में बहुवचन में, है ना। तो क्या हो गया, जयवंत हूं, ठीक है, विधि एवं आज्ञा में आ गया, ऐसे जय जय हो उनकी जय हो, जय का मतलब है जगत यानी संसार। ये क्या कौन सा है, जय नॉर्मल शब्द है, है ना, ए लग गया तो मैं लग गया, जगत मैं, तो इसमें विभक्ति आ गई 7/1, मतलब ए तृतीया से लेके किसमें है, सातवीं तक सब में है, तो हमें हिंदी से देखना पड़ेगा। जगत में ऐसे वो जयवंत हो उनकी जय हो, इनकी जिन्होंने अपने सारे घातीय कर्मों का नाश कर लिया है, तीन भवन में भव्य जीवों के लिए कमल रूपी सूर्य के समान है, ऐसे अरिहंत भगवान जिनके पास अनंत ज्ञान है, अनुपम सुख में है वो, और क्या है, उनकी जगत में हमेशा जय हो। ये एक तरह से मंगलाचरण का पाठ चल रहा है, तो इसमें हम नमस्कार करेंगे, जय बोलेंगे, इस टाइप की गाथाएं का सिलेक्शन है खाली अलग अलग ग्रंथों से। अगला करते हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि गाथाएं बहुत हैं, हो सकता है आपको लगातार लाइन में समझ में नहीं आए, लेकिन आपको उसको दोबारा दोबारा से रिपीट करोगे आप पॉज करके वीडियो, तो आपको आ जाएगी। अठ विहि कम वेला, आ गई बार बार वही वाली बात, आठ प्रकार के कर्म, अठ विहि कम, अठ विहि एक शब्द है पूरा यहां से लेके यहां तक, उसके बाद कर्म एक शब्द हो गया, उसके बाद क्या शब्द हो गया, वियल बोलते हैं विरत को, यानी कि अलग हो जाने को। आठ प्रकार के जो कर्म है उनसे जो रहित है, यानी वो कर्म उनके अलग हो गए। रिट्ठी कज्जा पड़ठ संसारा, रिट्ठीय कज्जा, फिर एक अलग वर्ण क्या है, कज्जा, उसके बाद है पड़ठ संसारा, पड़ठ संसारा। जैसे जैसे गाथाओं में शब्द आएंगे वैसे वैसे आपकी वोकेबिलिटी अपने आप बढ़ती जाएगी प्राकृत की। आठ प्रकार के कर्मों से रहित हैं। अब कौन है आठ प्रकार के कर्मों से रहित, अरिहंत या सिद्ध, सिद्ध है ना। जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है आज समय आ गया, थोड़ा सा बता देते हैं, अरिहंत
और सिद्ध में क्या फर्क है? अरिहंत भगवान के चार कर्मों का नाश होता है, सिद्ध भगवान के आठों कर्मों का नाश होता है। जितनी भी मंदिरों में प्रतिमाएं होती हैं वो किनकी होती हैं? अरिहंत भगवान की होती हैं ज्यादातर। सिद्ध भगवान की प्रतीकात्मक रूप में कहीं कहीं बनाते हैं, कैसे? बिना शरीर की, है ना, बिना शरीर के ऐसे करके जो बैठने की डिजाइन होती है वो उसका बेस बना देते हैं और आर पार हवा छोड़ देते हैं खाली। क्यों? क्योंकि ये शरीर रहित है, सिद्ध भगवानों के कोई शरीर नहीं होता। कहां? सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाते हैं। पहले अरिहंत बनते हैं, उसके बाद जब आयु कर्म पूरा हो जाता है, चार अघातीय कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला पे एक समय में विराजमान हो जाते हैं। सिद्ध शिला कहां पर है? जो तीन, हाँ, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, जो तीन लोग का रक्षा है उसमें सबसे ऊपर सिद्ध शिला है, इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता, उसके ऊपर कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता, कोई भी त्रियंच नहीं जा सकता, कोई भी एक इंद्रिय जीव नहीं जा सकता। वहां तक जा सकते हैं क्योंकि वहीं तक धर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य वहीं तक है। तो तनुवातुले में जाकर सिद्धालय है, सिद्ध शिला के ऊपर तनुवातुले में हवा में ऊपर के सिर से उनकी लगी हुई सिद्ध भगवानों की सारी आत्माएं होती हैं। असली भगवान कौन है? वही है। लेकिन हमने डमोकार मंत्र में अरिहंतों को पहले क्यों नमस्कार किया? क्योंकि अरिहंत भगवान बताते हैं हमें। शिक्षा किसने दी है? सारी अरिहंत भगवान ने दी। अभी वो उनको केवल ज्ञान हो गया है, उन्होंने सारा सुख में अगर देखा जाए तो अरिहंत भगवानों का सुख और सिद्ध भगवानों का सुख बराबर है। भले ही अरिहंत के पास अभी शरीर है लेकिन वो भी अनुपम सुख में है, लेकिन उनका कभी आयु कर्म बचा हुआ है तो इसलिए उस समय का वो उपयोग करके लोगों को प्रवचन देते हैं और बताते हैं कि कैसे केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हमारा अब सिद्ध हम बनेंगे और आप भी कैसे कैसे प्रयास करके आगे बढ़ो। तो क्या हो गया? आठ प्रकार के कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है। तो ऑटोमेटिकली ये कौन से हो गए? सिद्ध की बात कर रहे हैं। रिट्ठीये कज्जा पड़ठ संसारा, रिट्ठीये यानी कि जिन्होंने, कज्जा यानी कि कार्य, रिट्ठी बोलते हैं जिन्होंने अपना निश्चित हो गए, सब कार्य पूरे कर लिए, है ना, निट्ठीये यानी निट्ठा पूरे खत्म कर लिए, कार्य पूरे कर लिए, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कार्य कर रहे हैं, पूरी जिंदगी लोग लगे रहते हैं, कोई ना कोई काम बाकी रह जाता है तो इसलिए दोबारा से जन्म हो जाता है पिछला काम पूरा करने के लिए, है ना, उसके बाद फिर नया काम शुरू हो जाता है, फिर नया जन्म हो जाता है। उस प्रकार से हमेशा हमारा संसार चलता रहता है। लेकिन अब इनका जितना टारगेट था सिद्ध भगवानों के पास अब करने के लिए कुछ नहीं रह गया, सारे काम पूरे हो गए। तो क्या बोला? रिट्ठीये कज्जा पड़ठ संसारा, पड़ठ बोलते हैं नष्ट कर लिया, संसार को नष्ट कर लिया है, सभी कामकाज उनके अब कंप्लीट हो गए। आपने देखा होगा मनुष्यों की जब मृत्यु होती है फिर भी बहुत काम रह जाते हैं, है ना, तो इसलिए वो सिद्ध नहीं बन पाते। काम किसके पूरे हुए? जो बिल्कुल टेंशन फ्री जा रहे हैं, केवली भगवान पहले हो गए, उसके बाद सिद्ध बन गए। पड़ठ यानी नष्ट कर लिया है संसार, संसार को खत्म नहीं किया, पूरा तीन लोग खत्म नहीं किया, अपना संसार खत्म कर लिया। संसार का मतलब क्या है? स्वयं का जो संसार है, बार 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 जन्म लेना और बार बार मरना, उस संसार को खत्म कर लिया है। दिट्ठ सयल अथ थारा, दिट्ठ माने, अब इसका पहले संधि विच्छेद अलग कर ले हम, दिट्ठ सयल और उसके बाद ये तथा जो लिखा है इसकी लाइन कहां से आएगी? अथ, क्या है? सयल और अथ, उसके बाद है सारा। दिट्ठ यानी कि दृष्टि हो गई, है ना, समग्र तत्वों के सार जाने गए, सार यानी कि तत्व, अर्थ यानी कि उसका अर्थ, सयल यानी समग्र सकल, दिट्ठी यानी देखा गया जाना गया, दिट्ठ देखा गया, सयल सकल, और अर्थ का मतलब होता है तत्व, अर्थ को बोलते हैं अर्थ, अर्थ का मतलब मीनिंग नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तत्वार्थ तो सात, हम लोगों ने जिन्होंने जनरेशन भी किया हुआ है तो हमने सात तत्व पढ़े थे, अर्थ का मतलब है तत्व, तत्व लिखते
हैं ना तत्व, सात तत्व, ठीक है, सार यानी कि उसका व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन, कि वो जो सात तत्व हैं जीव अजीव आश्रव बंध, आश्रव बंध और निर्जरा मोक्ष, जीव अजीव संवर संवर निर्जरा मोक्ष, ठीक है, ये सात तत्व हैं हमारे, तो उनका सार यानी उनकी एक्सप्लेनेशन, दिट्टी यानी देखा गया या जाना गया, सयल यानी सकल यानी सारे, सारे तत्व कौन से हैं, साती तत्व हैं, अथ यानी तत्व, सार यानी जाना गया है, किनके द्वारा जाना गया है, हमारे द्वारा नहीं जाया गया, अभी उन्होंने जाने हैं जो सिद्ध बंदे, हमें तो उन्होंने बताया है, सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु, मम का मतलब मेरे लिए, हाँ बिल्कुल मेरे लिए, हमने अहम मम्मी का जो चार्ट पढ़ा था तो चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, मेरे लिए मम अहम का वो बन गया, सिद्धिम सिद्ध, ऐसे सिद्ध भगवान, दिशंतु अंतु लगाया था अभी, यानी कि दिखला रहे हैं मेरे लिए, क्या करें दिस यानी दिखाएं, सिद्धा यानी सिद्ध भगवान, सिद्धि यानी सिद्धि को, जरा सा सब मीनिंग का फर्क है, सिद्धा माने ऐसे सिद्ध भगवान जिन्होंने आठ कर्मों का नाश कर लिया है, सिद्धि बोलते हैं मुक्ति को, सिद्धा तो हो गया जो सिद्ध हो गए, और सिद्धि क्या हो गया, मुक्ति मार्ग, हाँ मुक्ति या सिद्धि, सिद्धि का मतलब सिद्धि भी है, मुझे भी सिद्धि दिलाए या मुझे भी मोक्ष दिलाए या मुझे भी क्या दिलाए, मुक्ति दिलाए, सिद्धि का मतलब क्या है, सिद्धि भी लिख सकते हो, मुक्ति भी लिख सकते हो और मोक्ष भी, मेरे लिए भी ऐसे सिद्ध भगवान सिद्धि को दिखाएं, दिखला जिन्होंने आठ कर्मों का नाश कर लिया है, उनके सभी काम पूरे हो गए हैं, जिन्होंने संसार को नष्ट कर लिया है, जिनके सकल अर्थ का यानी कि तत्वों का सार जान लिया है, ऐसे सिद्ध भगवान मुझे भी सिद्धि दिखलावे, ठीक है, पंच महव यत्तुंगा, पंच यानी कि पांच, अब नंबर से चल रहे हैं, देखो ध्यान से, ये किसकी बात करी, अरिहंत भगवान की सातवें में, ठीक है, आठवें में किसकी बात करी, सिद्ध भगवान की, इसमें बात करेंगे हम आचार्यों की, फिर हम करेंगे उपाध्यायों की, और फिर करेंगे हम नॉर्मल मुनियों की, तो इस प्रकार से पांचों की विशेषता बताई है एक एक गाथा में, अमोकार मंत्र में जो पांच पद हैं उनकी, कि वो कौन होते हैं, अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु कौन होते हैं, तो इसमें हमारा स्वाध्याय भी हो रहा है और साथ साथ हमें प्राकृति सीखने को मिल रही है, पांच महव यत्तुंगा, पांच महव और तुंगा बोलते हैं ऊंचे को, चोटी को, है ना, महव बोलते हैं महाव्रत, तक काली सपर समय सुधारा, तब उसके बाद है तत्काल, तत्काली पूरा एक बड़ी लिख सकते, तत्काल के है ना, और सपर स्व और पर समय को, और शुद्ध धारा शुद्ध को धारण करने वाले, शुद्ध धारा, देखो कितना बढ़िया मीनिंग है, अब बता रहे हैं आचार्यों की, पांच महाव्रतों से ऊंचे हैं यानी उठे हुए हैं, चोटी पर हैं, उत्तंग हैं, उत्तंग भी बोलते हैं हिंदी में, क्या है पांच महाव्रत, वो भी आएगा आपके, महाव्रत कौन से होते हैं, पांच महाव्रतों से उठे हुए हैं, तक काली, अरिहंत और सिद्ध को क्या होता है, पहले समय के और बाद के समय का उनको सब पता होता है, लेकिन आचार्यों को कोई गारंटी नहीं, जो मुनि है यहां पर उनको क्या होगा, तक काली यानी तत्काल के, उस समय के जिस समय वो रह रहे हैं, अभी जो आचार्य हैं, ये असली आचार्यों की बात हो रही है, दिगंबर आचार्यों की या जो सही आचार्य हैं, तो तत्काल के यानी तत्काल यानी उस टाइम के, स पर, इसका संधि विच्छेद करोगे, स्व और पर, स्व यानी अपने, पर यानी दूसरा, स्व का मतलब होता है आत्मा के, पर यानी बाहर के,
शरीर के, स्व और पर के। समय का मतलब है सिद्धांत, समय का मतलब सिद्धांत, समय का मतलब समय भी होता है, एक समय दो समय है ना, और समय का मतलब यहां क्या है सिद्धांत, यानी कि जो स्व का सिद्धांत है और पर का सिद्धांत है। क्या मतलब हुआ, आत्मा और शरीर अलग अलग है, स्व क्या है आत्मा उसका अपना और बाकी सब क्या है सब पर है। तो इस सिद्धांत को, इस कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं, तभी तो उन्होंने दीक्षा ली है, तभी तो आचार्य बने हैं, क्योंकि तभी उन्हें भेद विज्ञान हुआ है कि ये सब अलग है मैं अलग हूं। स्व और पर के सिद्धांत को जानने वाले। शुद्ध धारा, शुद्ध का मतलब है श्रुत, यानी कि जो जिन वाणी से या अरिहंत भगवान से जो सुना गया है उसके हिसाब से जो स्व और पर सिद्धांत जाना है। उनको अभी क्या है केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो किससे पता चला उन्हें स्वर्ग पर का, हमें कैसे पता चल रहा है, इन ग्रंथों से पता चल रहा है, तो सुन के पता चल रहा है। किसकी वाणी से सुना, जिन वाणी से सुना, अरिहंतों ने जो बताई उसके अकॉर्डिंगली जो ये पुस्तकें बनी है उससे हमें क्या पता चला, श्रुत को धारण करने वाले, यानी कि स्व और पर के सिद्धांत के श्रुत को धारण करने वाले हैं। राणा गुड़ गढ़, राणा का मतलब नाना, नाना किसको बोलते हैं, नाना जी को नहीं बोलते जो हमारे दादा नाना होते हैं, नाना का मतलब बहुत अनेक अनेक प्रकार के, ठीक है, गुड़ यानी गुड़ और गढ़ यानी गुड़ों का गढ़, जैसे होता है ना गढ़, ये पूरा झुंड समूह, ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, नाना प्रकार के गुणों के गढ़ को, भैया यानी भरता धारण करने वाले होते ना, भैया है भरा हुआ है, ठीक है, तो भैया प्राकृत का शब्द है, इसका मतलब क्या है, भरा हुआ, पूर्ण, भरा हुआ, भरपूर। उनमें कितने गुण हैं, नाना प्रकार के गुणों के समूह को धारण करने वाले हैं, उनसे वो भरे हुए हैं, उनमें गुणों की कोई कमी नहीं है, किनमें, आचार्यों में, ठीक है, नाना प्रकार के गुणों के समूह को धारण करने वाले हैं, उससे वो परिपूर्ण है, उससे भरे हुए हैं। आए रिया ऐसे आचार्य मम मेरे लिए पसीदंतु, यानी कि पसीजे, पसीदंतु का क्या मतलब है पसीजे, पसीजों को और क्या लिखा हुआ है इसमें, मंगल प्रदों, मेरे लिए भी थोड़े उनके हृदय में दया भाव आवे, मेरे ऊपर भी उनकी कृपा दृष्टि हो, कुछ भी लिख सकते हो। पसीदंतु का मतलब शाब्दिक अर्थ है पसीजे, है ना, तो उससे क्या बना, मेरे लिए दया दें, मेरे लिए मंगलप्रद हो। दोबारा पढ़ते हैं, पंच महव्यतुंगा, पांच प्रकार के महाव्रतों से उठे हुए ऊंचे, तत्काल उस समय के जिस समय में वो आचार्य हैं, स्व और पर के सिद्धांत को श्रुत के धारण करने वाले, है ना, नाना प्रकार के गुणों के समूह से भरे हुए ऐसे आचार्य मेरे लिए पसीजे, मेरे लिए मंगल प्रद हो। अर्णाण घोरती मेरे, अर्णाण, अब किसकी बात आ रही है, उपाध्याय की, उपाध्याय में क्या फर्क है आचार्यों के बाद, घोर तिमरे, अर्णाण घोर तिमरे, उसके बाद दुरंत तीर अमही, दुरंत तीर अमही, ठीक है, उसके बाद हिंड माड़ाड़म, ठीक है, उसके बाद भवियाड़ु उज्जो यरा, भवियाड़, उसके बाद है उज्जो यरा, यहां पे क्या है उ, भवियाड़ उज्जोय यरा, उवज्जाया वरम दी देंतु, ठीक है, आगे बढ़ते, अर्णाण घोर तिमरे, इसके अलग अलग हमने संधि विच्छेद कर दी, दुरंत तीरम ही हिंड माड़ाड़म, अब किसकी बात कर रहे हैं, उपाध्यायों की, क्या क्या फर्क है, आचार्य से नीचे उपाध्याय होते हैं, उपाध्यायों का क्या काम होता है, जो जैसे जो साधुओं का संघ है
अभी क्या है कि बहुत सारे वैसे ही उपाधियां मिल जाती हैं कि ये आचार्य हो गए और ये उपाध्याय हो गए, नॉर्मल मुनि हो गए। जो शास्त्रों के हिसाब से उसमें क्या भेद है कि जैसे बहुत बड़े बड़े संघ होते थे हजारों साधुओं के, सैकड़ों साधुओं के, तो उसमें कुछ साधुओं को उपाध्याय की पदवी दी जाती थी कि जो बाकी साधुओं को और समाज को पढ़ाएंगे, तो वो अध्ययन कराते हैं, कौन? उपाध्याय। और आचार्य क्या होते हैं? उनका मेन काम होता है वो दीक्षा देते हैं और सारे संघ को कंट्रोल करते हैं, निर्देश देते हैं। तो उपाध्यायों का क्या काम है? अर्णाण घोर तिमरे। अर्णाण का मतलब हो गया अज्ञान, सीधे सीधे पता चल रहा है, अड़ा को ज्ञान कर लिया। घोर अंधकार में, किसके अंधकार में? अंधकार कोई ट्यूबलाइट बंद करने का अंधकार नहीं है, जो अज्ञानी जीव है ऐसे घोर तिमरे यानी अंधकार, अज्ञान रूपी घोर अंधकार में दुरंत तीरम ही। दुरंत का मतलब होता है जिसको पकड़ना कठिन हो। तीर यानी कोई, जैसे बोलते हैं नदी का तीर, तीर चलाने वाला तीर नहीं है, नदी का किनारा। दुरंत यानी कि कठिन, ऐसा कठिन तीर यानी कि किनारा, है ना, यानी कि कठिन छोर पर। अमी लग गया, ये उसके लिए है, यहां पर भी मिमी लग जाता है ना, तो उसी हिसाब से मिही भी है वहां पर, तो क्या बन गया, ये भी सातवीं विभक्ति एक वचन। हिंड माड़ाड़म, हिंड बोलते हैं, जैसे आप एक ग्रंथ पढ़ेंगे जब प्राकृत में आपके कोर्स में भी है, वसुदेव हिंडी। हिंडी का क्या मतलब है? घूमने वाला घुमक्कड़। हिंड का क्या मतलब है सिद्धांत जी? घुमक्कड़। घुमक्कड़ हिंड माने घूमना। तो वसुदेव हिंडी ग्रंथ में क्या है? वसुदेव का भ्रमण। तो उनका यहां गए वहां गए, ये उन्होंने शादियां करी, यहां युद्ध लड़ा, तो वसुदेव हिंडी नामक ग्रंथ है हमारे यहाँ प्राकृत में। तो उससे क्या, हिंड से क्या मतलब होता है? घूमने वाला, भ्रमण करने वाला। तो क्या निकला? हिंड माड़ाड़म, जो भ्रमण करते हुए। आड़म लग गया तो वो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होती आए भी आड़म की तरह। अज्ञान रूपी घोर अंधकार में, कहां पर? जिसका छोर बहुत कठिन है, यानी कि ज्ञान तक पहुंचना जिसके लिए बहुत कठिन है। लोग क्या है? घूम रहे हैं बस, हम सब बार 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 जन्म मरण में हम घूमे जा रहे हैं, तो भ्रमण कर रहे हैं। भवि या जो यह अलग अलग किया तो क्या बना? भवियाड़। और उज्जो, उज्जो किसे बोलते हैं? उज्ज्वल करना यानी ज्योति देना, प्रकाश करना। हाँ, अब भवियाड़ का मतलब जो भ्रमण कर रहे हैं, जो भवन में रह रहे हैं, वो कौन हो गए? संसारी जी। भवियाड़ का मतलब क्या हुआ? जो संसारी है, चारों प्रकार की गतियों में भ्रमण करने वाले जीवों को क्या बोलते हैं? संसारी। और मुक्त जीव कौन से होते हैं? जो सिद्ध बन गए या अरिहंत, जो बनने वाले हैं सिद्ध। तो दो प्रकार के जीव हैं, एक संसारी और एक मुक्त। तो भवियार का मतलब जो भवनों में सब रह रहे हैं, है ना, तो क्या हो गया? संसारी जी। उज्जो यरा, उज्ज से क्या बना? उज्जो, ज्योति प्रदान करने वाले, जो संसारी जीवों के लिए दीपक के समान है। क्यों उनको दीपक के समान बोला? क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं सबको, उपाध्याय। तो ऐसे उपाध्याय वरम देते हैं, वर अम दी, मुझे भी। यहां पे क्या है? वर मति से हमने क्या बनाया? मति, मई भी होता है मति, ऐसी मुझे वर यानी कि अच्छी मति यानी बुद्धि देंतु देवे, है ना, वही अंतु लग गया। तो क्या बना? अज्ञान रूपी घोर अंधकार में, जिसका सही छोर जो है वो बहुत कठिन है प्राप्त करना। संसार में घूमे जा रहे हैं जीव, उनके लिए, ऐसे संसारी जीवों के लिए ज्योति प्रदान करने वाले उपाध्याय मेरे लिए भी अच्छी मति, श्रेष्ठ वर यानी श्रेष्ठ मति प्रदान करें देवें। ठीक है, ये आपके 10 हो गए। इसके बाद हम जल्दी जल्दी से साथ साथ वाला अध्याय टारगेट लेके पूरा करना है। एक तोता आ गया है, इसकी टांग टूट गई है। कहां पर? नहीं, हमारे यहाँ। अच्छा, तो मैं उसे बुला लेती हूँ, वहां पे लड़का होगा। हाँ, बुला लो। ये जब तक मैं लिखता हूँ, अब हमारे कितने रह गए इसमें? ये आप लोग जो भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, अच्छे से इसकी फोटो खींच लो, खींचो फोटो, अब लास्ट में
जो रह गया है वो भी कराएंगे। ये चैप्टर तो पूरा कराना है आज, किस समय पर है क्या कह रहे हो? देखो फोन एक बार, अब हम ये मिटा रहे हैं और इसके बाद चार गाथाएं और हैं जल्दी जल्दी से, इस चैप्टर की आज हमें कंप्लीट करनी है। लिखते भी जाएंगे और बोलते भी जाएंगे। आ रहा है समझ में सभी लोगों को जो भी ऑनलाइन वाले हैं? तो हमें उम्मीद है, बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं, आप लोगों के समझ में आना चाहिए। नहीं भी आ रहा है तो डरना नहीं है, कोशिश करनी है समझने की, आएगा फिर धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिखते भी जाएंगे गाथाएं और जो है आपको बोलते भी जाएंगे एक एक शब्द। अगली गाथा है, कहां तक हो गई थी नंबर हमारा? स्वाध्याय तक हो गया था ना, 10 हो गई थी, और लिखेंगे हम 11 की गाथा। तो पेन आ गया, ब्लैक पेन करना है। 11वीं, थिर धरिय सील माला, थिर धरी सील माला। उनको बता दे, विनोद होगा उससे बात करा दे, है ना? ये जब तक मैं लिख रहा हूं, थिर धरी सील माला क्या है? थिर धरी सील माला वग गए राया, वग गए राया। जसोह पड़ित था, जसोह पड़ी हत्था। कैसे लिखेंगे? आपके सामने लिखवा रहे हैं तो आप लिख भी सकते हैं साथ साथ। थिर ये क्या है? था। थिर धरी सील माला वव गए राया, जसो पड़ी हत्था, बहु विड़य भूसी यंगा, विड़य भूसी यंगा। सोहाइम साहू पच पय छंतु, सो हाइम साहू पय च छंतु, यानी कि क्या है? साहू, अभी हमने उपाध्याय का पढ़ा, अब उपाध्याय के बाद क्या है? सर्व साहु रमो लोए सब साड़ा माता है ना, पांचवा पद, तो पांचवें पद की विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद बारहवा है अरिहंता, यानी अयंत भगवान। उसके बाद असरीरा, पहले आपको चार गाथाएं लिखा देंगे फिर उसके बाद इसके मीनिंग बता देंगे। आयरिया आ या रिया, उवज जाए उवज जाय, साथ साथ आप लिख भी सकते हैं ऑनलाइन में जो भी लिख रहे हैं। उसके बाद पंचखर निपर्णो, पंच आधा का फिर खा र निप पा पर फिर आधाना पढ़ो। ओंकारो पंच परमिट्ठी, ओंकारो पंच
पर मिठी। ये हो गई आपकी बारहवीं। दो और लिखेंगे फिर चारों के मीनिंग दो मिनट में आपको बताते हैं। उसके बाद है अरहंत भासी अर्थम, उच्चारण करना भी सीखना है साथ साथ, लो अपना बोलते भी हैं। अरहंत भासी यत्थम। एग्जाम में आपको ये गाथाएं लिखने के लिए नहीं आएंगी, क्योंकि वो समझते हैं कि अभी टफ है याद करनी, इनके मीनिंग ही आएंगे। ठीक है, तो इतनी टेंशन मत लेना कि इतनी सारी गाथाएं आपको याद करनी है। गढ़हर देवेहिम, देवेहिम याद आ गया, तृतीय विभक्ति बहुवचन। गंथियम सम्मम, उसके बाद है पढ़मामी भक्ति जुत्तो, पढ़मामी भक्ति जुत्तो, भक्ति जुत्तो। सुद लाड महोदहिम, सिरसा, सिरसा ये हरियाणा में जगह का भी नाम है, यहीं से बना होगा नाम। उसके बाद लास्ट गाथा है पहले अध्याय की, स समय पर समय व्यू, अभी आया था ना स्व समय और पर समय, वही है सर समय पर समय व्यू। गंभीरो दित्तिमम, जिनके पास पुस्तकें हैं वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो सीधे बोर्ड से भी देख सकते हैं। गंभीरो दित्तिमम शिवो सोमो, शिवो सोमो। लास्ट लाइन है आज की, गुड़ सय कलियो, गुड़ सह कलियो चुत्तो। पवयड़ सारम, पवयड़ सारम परि कहे उम, परि कहे उम। अब इसका अर्थ देखते हैं। एक एक करके अभी तक हमने उपाध्याय का कर लिया था, अब किसका करना है, हमें साधुओं का, है ना। पीछे से भी आप मीनिंग भी चेक कर सकते हैं साथ साथ में, जो कर सकते हो, नहीं तो आप सीधे बोर्ड से देख लें। सब लिखवा रहे हैं हम, बताते जाएंगे, निकाल भी लेते हैं इसमें। थिर माने हैं स्थिर, थिर धरिय सील माला। थिर अलग हो गया वर्ड, एक धरिय वर्ड अलग हो गया, और क्या हो गया, सील और माला। किसकी बात कर रहे हैं हम, साहु साधुओं की। ठीक है, साधु कैसे हैं, स्थिर हैं। धरिय माने धारण करना, स्थिर यानी कि बिल्कुल एक जगह पे स्टैग्नेंट है, रुके हुए हैं। क्या चीज, सील की माला, है ना, शील है उनके अंदर, ब्रह्मचर्य है ना, तो शील की माला है, शील रूपी माला को स्थिर रूप से धैर्यवान होकर उन्होंने धारण किया हुआ है। वह गए राया, राय माने है राग, वह गए यानी कि दूर किया हुआ, उनको अब कोई राग किसी से यानी कि मोह किसी से नहीं है। ठीक है, राग जिनके दूर हो गए हैं, दब गए यानी दूर हो गए। जसो पड़ी हत्था, जस माने होता है यश, और ओ माने होता है उसका ग्रुप, उसका समूह, यश का समूह। पड़ी हत्था
था, यानी कि उससे परिपूर्ण है। उनका यश तो सदैव ही फिर फैलेगा। जो व्यक्ति शील की माला को धारण किए हुए है और उसको किसी से राग नहीं है, तो उनका यश जो होता है वो फैलता है। यश समूह से परिपूर्ण है। बहु विणय भूसी अंगा, यानी कि बहु माने कि बहुत सारे, विणय से बना विनय, विणय से क्या बना सिद्धांत जी, विनय, अड़ा का क्या हो गया ना, विनय यानी कि बहुत विनयशील है, कोई व्यक्ति बहुत ही नम्र है। भूसी अंगा, भूषित, भूषित वही आभूषण की तरह तो अलंकृत है। कैसे हैं वो जो साधु हैं, बहुत सारा बहुत सारे विनय से भूषित हैं। यहाँ पे अलंकृत लिखा है, उसको आप भूषित भी लिख सकते हो अपने शब्दों में, उनमें विनय बहुत है। सुहा इम, यानी सुख, सु हमने देखा था किसके लिए देखा था, सुहु सुख के लिए, आयम लग गया तो कमलायम क्या हो गया, एक बटा दो, बहुत सारा सुख है ना, बहुत सुख है उनको। ऐसे साधु पैच्छन्तु, यानी कि अंतु लग गया फिर से, पैच्छ यानी देना है ना, प्रदान करें, दें, क्या दें मुझे, बहुत सारा सुख दे है ना, मुझे भी बहुत सारा सुख दे। कौन दे, ऐसे साधु जो स्थिर हैं, स्थिर माने स्थिर, धरिए यानी धारण किए हुए हैं, क्या धारण किए हुए हैं, शील की मालाओं को। ये शील से कौन सा शील बन गया, गोल वाला, शील रूपी मालाओं को धारण किया हुआ है स्थिरता के साथ में। और राया माने राग, वगय माने उससे रहित हैं, है ना, वगय यानी दूर कर दिया गया है, क्या चीज, राग को। जस माने यश, ओ माने ओह लेना, यानी कि उसको बहुत सारा यश समूह। पटिहत्ता, यश उनके चारों तरफ फैला हुआ है, उससे परिपूर्ण है। बहु विनय, बहुत सारे विनय से भूषित हैं। सुहायम, बहुत सारा सुख ऐसे साधु मेरे लिए प्रदान करें, ठीक है। अरिहंता, असरीरा, आयरिया, उवज्जाय और मुड़िरो, कौन कौन, अरिहंत भगवान, अभी असरीरा कौन हो गए भाई साहब, सिद्ध भगवान, अब आने लग रहा समझ में, जिनका शरीर नहीं है, सिद्ध भगवानों को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अशरीर। अरिहंत, अशरीर, आर्य यानी आचार्य, उपाध्याय यानी उपाध्याय और मुनि जो पांचवे हैं। पंच अक्षर निप्पणों, क्या इसका विच्छेद हुआ, पांच अक्षर, पंच अक्षर निप्पणों, पंच अक्षर निप्पणों यानी कि निकला हुआ। ओंकारो, ओंकारो क्या होता है, ओम, ओम कैसे बना, इस गाथा से आपको पता चल रहा है कितना बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ओम, कहां से बना बताइए कोई, ओंकारो, ओम, ओम कैसे बोलते हैं इसको, ओम, तो इस ओ को कैसे बना, ये देखिए आ, फिर से आ, और फिर से आ, और फिर उ, इस इन चारों को मिला के क्या बना, ओ। मुनि का क्या लिया, मा, सबके पहले अक्षर ले लिए, इन चारों को मिला के क्या बना, आ आ आ और उ, इससे क्या बना, ओ। और मुनि का म ले लिया, तो इन पांच अक्षरों से निकला हुआ क्या है, ओंकार, पंच परमेष्ठी को बताता है। ओम क्या है, ओम बोल दिया, यानी कि आपने मन में पांचों परमेष्ठियों का ध्यान कर लिया, ठीक है। अपने यहां ओम कैसे लिखते हैं, एन ऐसे करके लिखते हैं, एन करके वो लिखते हैं ना, दूसरी तरीके से भी लिखते हैं, जैन धर्म का जो प्राचीन ओम है उसको लिखवाएंगे अच्छे से डिजाइन बना के। ओम कैसे बना, आ जाए आज पता चला भाई साहब कैसे बना ओम, सब प्राकृतिक गाथाओं से पता चलता है, इसलिए बहुत जरूरी है। अरिहंत, अशरीर, आचार्य, उपाध्याय और मुनि, इनमें से पांच अक्षरों से निकला हुआ
ओम जो है वो पंच परमेष्ठी को बताता, परमिट्ठी यानी परमेष्ठी। नेक्स्ट अरिहंत भासी अर्थम, इसका अलग अलग करेंगे। अरिहंतों के द्वारा भाषण भाषी अर्थम, वही अर्थ यानी तत्व जो बताए गए हैं, अर्थ बताया गया है, तत्वों को भाषित यानी उपदेश दिया गया भाषा में, प्राकृत भाषा में या किसी में भी, उनके द्वारा बताया गया क्या। गणधर, गणधर यानी गणधर, देव यानी देव, गणधरों को भी देव की संज्ञा दी है कि गणधर देव, गुरुदेव बोलते हैं ना, तो ऐसे ही गणधर देवों के, हिम लग गया तो क्या हो गया, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तीन बटा दो किसमें लगाते हैं, द्वारा, तृतीया में क्या था द्वारा, यानी अर्थ क्या निकलेगा, गणधर देवों के द्वारा, क्या बना, गणधर देवे हिम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है ना, देवे हिम गणधर देवों के द्वारा, गंथियम यानी ग्रंथों में, सम्मम सम यानी समग्र प्रकार से, यानी भली प्रकार से अच्छी तरह से, गंथियम यानी कि ग्रंथ बनाया गया, उसको रचा गया सिस्टमैटिक, किसने किया, गणधर बोलते हैं, गणधर द्वारा रचित, अरिहंत द्वारा कहित है ना, परमामी भक्ति जुत्तो, परमामी मी लग गया, क्या हो गया, परम प्लस आमी, मैं छुपा हुआ हो गया, मैं प्रणाम करता हूं, परम माने प्रणाम करना, आमी लग गया हूं, मैं प्रणाम करता हूं, भक्ति युक्त होकर, भक्ति जुत्तों को बोलते हैं युक्त, भक्ति के साथ, भक्ति से युक्त होकर है ना, सुध यानी श्रुत, प्राण माने ज्ञान, महोदहिम यानी कि महोदर बोलते हैं, किसको बोलते हैं महोदर, समुद्र को, महोदर सुना है ना, महोदर वर्ड कई जगह हिंदी में आता है, महोदर माने समुद्र, महासमुद्र, यहां पे आप सीधे महोदर भी लिख सकते हो, ऐसे श्रुत ज्ञान को जो महासमुद्र के समान है, सिरसा यानी कि अपने सिर के साथ शीश झुका करके मैं सिर से प्रणाम करता हूं, किसको, अरिहंतों द्वारा जो भाषित यानी कहा गया है, अर्थ यानी कि तत्वों का जो ज्ञान है, गणधर देवों के द्वारा जो समग्र भली सम्मम यानी सही तरीके से ग्रंथ में रचा गया है, ऐसे भक्ति से युक्त होकर मैं प्रणाम करता हूं, किसको, श्रुत ज्ञान रूपी महासमुद्र को मैं सिर से प्रणाम करता हूं। लास्ट गाथा है आज की, थोड़ा फास्ट करा रहे हैं लेकिन आप लोग रिपीट करके आप वीडियो में देख सकते हैं, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहे क्लास में। स समय पर समय व्यू, स समय यानी कि स्व समय के, पर समय यानी कि दूसरे समय के, व्यू माने उसको जानने वाला, गंभीरो देवों की तरह बनेगा एक बटा एक, गंभीर दित्यम, दित्यमम, दित्यमम दित्यमम का मतलब आभायुक्त, शिवो, शिवो का मतलब कल्याणकारी, शिव, शिवो का मतलब क्या है, शिव, शिव से क्या बना, शिव, ये जो शिव है, शिव और सिद्ध भगवान एक ही बात होती है, सिद्ध शिला को शिव शिला भी बोलते हैं, तो उन्हीं का बाद में रूपांतरण होते होते शिव जी को अलग धर्मियों ने पूजने दूसरे रूप में लग गए, शिव यानी कि शिव वर्ड का वैसे अर्थ क्या है, कल्याणकारी, कल्याण करने वाले, मंगल भी बोल देते हैं, शिव भी बोल देते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम जो बोलते हैं, शिव ही सुंदर है, वो क्या है, शिवो, सोमो, सोमो यानी कि सौम्य, ये अलग अलग वर्ड है। गुण सय कलियो जुक्तो, इसमें क्या हो गया, गुण अलग हो गया और सय अलग हो गया, ओ यो तो दो किसमें लगाया था हमने, भूतकालिक कृदंत में, तो यहाँ पे भूतकालिक कृदंत का इकारांत करके ओ लग गया,
जुत्तो का मतलब वही युक्त हो गया, ठीक है। पवयण सारम, पवयण सारम यानी कि उसके पूरे सार को, किसके पवयण का मतलब है सिद्धांत, परी कहेउम यानी कि कहने के लिए, उनका मतलब क्या हो गया, उमर्दुम हेतवर्धक कृदंत, रिपीट हो रहा है ना धीरे धीरे, उनको किसमें लगाया था हेतवर्धक कृदंत में, और दुम। चलो इसका अर्थ देखते हैं, स समय यानी कि समय का मतलब सिद्धांत, अपने स्व सिद्धांत को, आत्मा के सिद्धांत, पर समय यानी कि पर के दूसरे के सिद्धांत को, व्यू मानी ज्ञाता जानने वाला, व्यू माने ज्ञाता, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ज्ञाता स्व समय और पर समय यानी स्व सिद्धांत को और पर के सिद्धांत के जानने वाले, गंभीर जैसे समुद्र गंभीर होता है ना, सीरियस होता है, ऐसे ही गंभीर है। और दित्तिम, दित्तिम का मतलब है आभायुक्त, दित्तिमम का मतलब है, कहाँ लिखे, लिख लीजिए आप ऐसे ही, दित्तिमम का मतलब आभायुक्त, शिवो यानी कि शिव कल्याणकारी, शिव यानी कल्याणकारी, सोमो का मतलब है सौम्य, सोमो का मतलब सौम्य, बहुत ही सुंदर है। और दित्तिमम का मतलब हमने बताया, क्या बताया, दित्तिमम का मतलब आभा से युक्त है, आभा युक्त, गंभीर है, उनकी आभा बहुत अच्छी है, और ऐसे वो कल्याणकारी है, ऐसे सौम्य है। गुण सह कलियो जुत्तो, सह का मतलब होता है सौ, सैकड़ों, गुण है ना, सैकड़ों, सैकड़ों हो जाता है सह का मतलब, और ऐसे सैकड़ों गुणों से युक्त, कल माने भी युक्त है, वो लग गया तो क्या हो गया, जुत्तो ऐसे सैकड़ों गुणों के योग्य और युक्त है, जुत्तो माने युक्त है, सैकड़ों गुणों से युक्त है। पवयण सारम यानी कि पवयण का मतलब भी सिद्धांत, सिद्धांत के सार को जानने वाले हैं। परे कहे उम, कहने के लिए, परे कह का मतलब कहना, और उम लग गया तो लिए आ गया। अब इसका अर्थ पूरा एक वाक्य में बना के हम गाथा में से पढ़ते हैं। स्व सिद्धांत तथा पर सिद्धांत के ज्ञाता हैं, सैकड़ों गुणों से युक्त हैं, जो गंभीर आभायुक्त सौम्य तथा कल्याणकारी हैं, वह ही अरिहंत के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के सार को कहने के लिए योग्य होता है। अब इसमें काफी वर्ड हिडन है, इसलिए हमें गाथा से देखना पड़ा, क्योंकि कई गाथाओं में क्या होता है, कुछ चीजें हिडन होती है। तो किसको कह रहे हैं कि अब ये जो सारा सिद्धांत है जो अभी तक हमने पढ़ा, अरिहंत द्वारा प्रतिभाषित है ना, गणधर द्वारा, उसको कौन समझ सकता है, हर व्यक्ति के समझ से ऊपर है, कौन समझ सकता है, जो स्वयं और आत्मा और पर का वेद को जानता है, ठीक है, जो गंभीर है, जो क्या है, आभायुक्त है, जो खुद भी कल्याणकारी है और जो सौम्य है, ऐसे सैकड़ों गुणों से जो युक्त है, जो ये सारे गुण है सैकड़ों गुण हो गए अपने आप में, तो ऐसे सिद्धांत के सार को जानने वाला ही अरिहंत के द्वारा ना, उसके बाद क्या है, कहने के योग्य है, गंधर्वों के लिए है, हाँ, वही व्यक्ति सिद्धांत को कह पाएगा जिसमें ये सारे गुण हैं, नहीं तो कोई दूसरा उसको कह ही नहीं पाएगा। सही कह रहे हैं, भी गंधर्वों के लिए ही संज्ञा हो सकती है, कौन इसको बता सकता है जिसमें ये सारे गुण है। ये आपका पहला वाले पाठ का मंगलाचरण पूरा हो गया है, कल हम श्रवण सूत्र करेंगे। कितनी देर की होगी क्लास, एक घंटा 20 मिनट, 20 मिनट कहां से हो गया, तो आज की और आगे करनी है क्लास, वो ही कर दो, करवा दो 10 मिनट में बस, जो रह गया कल ही करनी है।
कल हाँ, क्योंकि अभी ये पूरा हो गया ना, रिकॉर्ड वो लिख के रख लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, और सभी लोगों को जय जिनेंद्र। कल दूसरा वाला अध्याय भी कराएंगे और अनियमित भूतकाल वाला भी कराना है, उसमें कुछ शब्द रह गए हैं, और कल समय पे क्लास शुरू करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।